आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा हो गया। 17 मई को कोर्ट में कमीशन की रिपोर्ट पर कोर्ट का जवाब आने तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर्वे की रिपोर्ट पेश होने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा, कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के वकील की अपील पर कोर्ट ने जिला कलेक्टर और सीआरपीएफ को ज्ञानवापी मस्जिद का वो स्थान सुरक्षित करने को कहा है जहां बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग मिली है। दरअसल सोमवार को सर्वे के तीसरे दिन कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। ये दावा सर्वे टीम का हिस्सा रहे सोहन लाल आर्य की तरफ से किया गया है। हालांकि कोर्ट में केस होने के कारण उन्होंने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में जरूर बता दिया कि नंदी को जिसकी तलाश थी वो बाबा मिल गए हैं। पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए और बस सर्वे और सर्वे सर्वे यह खत्म हो गया है। न्यायालय के आदेश से सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ बाबा विश्वनाथ जी मिल गए हैं और हम सब खुशी से झूम रहे हैं। और जो मुस्लिम पक्ष या अन्य कोई तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी से बाज आए। उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग खुश हैं, सच सामने आया है और सच सामने आने के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देगा मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में ये कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे। फिलहाल सर्वे की इस रिपोर्ट को तैयार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा 3 दिन तक किए गए सर्वे की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। रिपोर्ट को एडवोकेट कमिश्नर तैयार करेंगे जिस पर दोनों पक्ष की तरफ से हस्ताक्षर होंगे। ज्ञानवापी मसले पर 17 मई को जिला अदालत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जिस सर्वे को रोकने की याचिका लगाई गई थी वो काम अब पूरा हो चुका है। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि इस सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो 3 दिन तक सर्वे हुआ, अब रिपोर्ट कोर्ट के पास जाएगी। अब कोर्ट अपना जो फैसला सुनाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि अब आगे क्या कार्रवाई होनी है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।